उत्तराखंड का रामपुर। अंकित अपने स्कूल से पैदल ही घर जा रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए टाइगर ने उस पर हमला कर दिया, उसे गर्दन से पकड़ लिया और जैसे ही टाइगर ने अंकित के सिर को अपने मुंह में दबाया, वैसे ही अंकित ने मौका पाकर टाइगर की जीभ पकड़ ली। करीब 15 मिनट तक चले संघर्ष के बाद टाइगर के हौसले पस्त हो गए। टाइगर लहूलुहान हालत में अंकित को छोड़कर जंगल में भाग गया। घायल अंकित को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। टाइगर का अटैक हुआ था हमारे जी। हम आ रहे थे, दो जने स्कूल से आ रहे थे जी, हुआ था तो उसने पीछे से पकड़ा, तो फिर हमने हाथ से जीप पकड़ी, जब हमारा बचाव हुआ। टाइगर के हमले में घायल अंकित को पहले हल्द्वानी के एक अस्पताल में ले जाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। ऋषिकेश एम्स में बेहद लापरवाही से उसके सिर पर टांके लगा दिए। टाइगर से संघर्ष के दौरान जो पेड़ के पत्ते डंडियां उसके सिर में गई थी उसे निकाला ही नहीं, ऐसे में उसके शरीर में इन्फेक्शन होने लगा। इंसानियत के नाते पता चला, फिर मैं चलो जैसे हेल्प हो सकती है वैसे हेल्प की जाए, उस तरीके से मेरे को पता चला, फिर मैंने उसका कंसल्ट किया। अब आपका आगे की प्लानिंग क्या है सर? आगे की प्लानिंग मेरी तो यही है, बच्चा ठीक रहे बस। ऋषिकेश एम्स में अस्थायी इलाज के बाद उसे दिल्ली एम्स रेफर किया गया। अंकित के परिजन उसे दिल्ली एम्स न ले जाकर गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में ले गए। जब अंकित को अस्पताल में लाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी, उसके सिर में पस पड़ने लगा था। इन चुनौतियों का सामना करते हुए डॉक्टर्स ने अंकित की 4 सर्जरी की। 4 महीने के इलाज के बाद आज अंकित पूरी तरह ठीक है। हमने नेक्स्ट डे की सर्जरी प्लान की, तो अगले दिन उसको पहली सर्जरी की, इसमें जो जो पार्ट्स कटते, अंगूठा जो ऑलमोस्ट ये था खत्म होने वाला है, उसको रिपेयर करना माइक्रोवास्कुलर टेक्निक से, और कान का और इसके स्कैल्प का वो सब ऑपरेशन किया। उसके बाद हमने इसको 2-3 दिन का डिस्चार्ज किया, सेप्सिस जो पार्ट था वो कंट्रोल हो गया था। और फिर हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट सर्जरी हम उसके कुछ समय के बाद करेंगे। फिर हमने इसको कुछ समय के बाद पैर से स्किन लेके और जो पार्ट हमारा एक्सपोज था उसको हमने कवर किया। संघर्ष के दौरान अंकित का अंगूठा भी कट गया, जिसका कुछ समय बाद ऑपरेशन किया जाएगा। सिर पर लगी चोटें अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। अंकित के शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांसपेशियां लेकर उसके सिर की स्किन बनाई गई है। तो हैवी डोज ऑफ आईवी एंटीबायोटिक्स दे के और पेन मैनेजमेंट करके मुश्किल से, मतलब फर्स्ट सर्जरी में मैं बोलूंगी कि इट वाज अ लाइफ सेविंग सर्जरी। और भी 1-2 दिन बाद आते हैं ये, तब तक शायद इतना इन्फेक्शन फैल चुका होता कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिलहाल अंकित पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहा है। जिंदगी और मौत की लड़ाई में अंकित ने जिंदगी की जंग जीत ली और सभी के लिए मिसाल बनकर आगे आया है। अंकित के हौसले से साफ हो गया कि जीता वही है जिसने संघर्ष किया है। टीम न्यूज नेशन।